हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट में कलर जनरेटर। इसकी जरूरत दूसरों से ज्यादा आपको पड़ेगी। अगर आप प्रोग्रामर हैं, कोडर हैं, तो आप एक बार जी अपना सॉफ्टवेयर खुद का बना के रख लो, जनरेट न्यू कलर पे क्लिक करते जाओ, हर बार नया कलर आता जाएगा। तो सारे कलर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, जहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। RGB में कलर आपको मिलेगा। यहाँ से इसको कॉपी करो, पेस्ट करो अपनी CSS फाइल में, आपको कलर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसा पेज बनाना चाहते हैं कि लोग गूगल पे जाके सर्च करें RGB कलर, तो आपका पेज वहां पर रैंक होने के चांसेस होते हैं। तो आप ऐसे भी एक वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर लगा देते हैं। इसको डिजाइन कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको सबसे पहले कंटेनर ही ऐड कर देते हैं। कोई भी क्लास लगा दो, कंटेनर सही लग रही है। एक बटन लगा दो, इसको एक क्लास ऐड कर दो। इसका नाम है न्यू कलर रख देती हूँ, न्यू कलर BTN, ताकि पता चले ये बटन का है। आईडी दे दो एक, न्यू कलर BTN सेम आईडी दे दो। इसके ऊपर कुछ लिखना है, जनरेट लिख देती हूँ। जनरेट, उसके बाद इसी डिब के बीच एक सेक्शन टैग लगाओ। सेक्शन लगा दो या फिर डिव लगा दो। इसके बीच एक क्लास ऐड कर दो, इसको हम कलर कंटेनर नाम दे देते हैं, जिसमें हमारे ग्रिड आनी है। कलर कंटेनर, आईडी देने की जरूरत नहीं है, इसको कर दो रिफ्रेश। चलिए अब CSS में चलते हैं। पहले इसको ये बेसिक कोड लगा देते हैं। बॉक्स साइजिंग लगा दो, बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन वगैरह भी 0 कर ही देते हैं। अब यहाँ पे बॉडी ये वाला कोड जस्ट मैंने सेंटर में करने के लिए लगाया है। अगर आपने सेंटर में, वैसे तो सेंटर में सही लग रहा है बटन, तो ये कोड लगा ही लो, स्किप करने की जरूरत नहीं है। इसकी हाइट रख दो, कितने एरिया में मुझे पूरा तो चाहिए हमारा सॉफ्टवेयर जो भी नजर आएगा। बैकग्राउंड कलर लगाना है तो लगा दो बॉडी का, यही लगा देते हैं। जो हमने बनाई थी क्लास न्यू कलर BTN, मतलब बटन वाली, बटन को थोड़ा सा डिजाइन करना है। बैकग्राउंड हम नन रखेंगे, तो मुझे नहीं चाहिए कोई भी बैकग्राउंड। कलर रख दो, जो कलर मतलब वहां पे लिखा होगा ऊपर, उसका कलर टेक्स्ट का साथ में पैडिंग रख दो। डिजाइन करना है मतलब थोड़ा बहुत, जितना भी आप डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको अच्छा सा बना लो। अब मैं सारा कोड एक बार ही लगा दूंगी। इसको फॉन्ट साइज भी दे दो, कोई इतना रख देते हैं। साथ में इसकी आउटलाइन हटा दो, मार्जिन, ऑटो, बॉर्डर भी हटा दो। बॉर्डर भी नहीं चाहिए हमें, ये मेरी अपनी खुद की कोडिंग है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने बॉर्डर लगाना है तो आप इसमें ऐड कर दो। सेव, सेव नहीं हुआ, अब सही है। बैकग्राउंड इसका अब सही है। ये जो बैकग्राउंड है, मैंने लिखा था जो बैकग्राउंड बटन का ओरिजिनल होता है, उसको हटा दिया। उसके बाद हमने अपना ऐड कर दिया कलर, ये वाला कर्सर की लिख दो, ताकि हाथ वाला निशान आ जाए। बस बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर दो, थोड़ा सा 3 पिक्सल कर दो, राउंड हो जाएंगे इसके कॉर्नर। बस इतना सही लग रहा है बटन। अब चलो न्यू कलर BTN होवर, मैं इसको होवर करूंगी, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए सियान। जो कलर इसके ऊपर लिखा हो उसका कलर हो जाए ये ब्लैक सा।
सही लग रहा है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना इसको। अब जहाँ पे हमने एक बनाना है आरईसी, मतलब रेक्टेंगल, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाएंगे हम, इसको हमने शो कराना है जावा स्क्रिप्ट में। पहले इसको डिजाइन कर लो कैसी आपको लुक चाहिए, अपनी तरफ से इमेजिन कर लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में रहेगा, अलाइन आइटम सेंटर में रहेगी, हाइट विड्थ देख लो, मैं फिलहाल इतनी ही रख देती हूँ। हाइट इतनी, इसका बैकग्राउंड कलर रहेगा कोई भी लगा दो, ये लगा देते हैं। मार्जिन इसका साथ में रख देते हैं, मार्जिन भी एक लगा दो, बॉर्डर रेडियस। तो ये इमेजिन कर लिया कि हमने कुछ ऐसे रेक्टेंगल सा बन जाएगा, ठीक है। तो ये शो नहीं होना, इसको हम शो कराएंगे जावा स्क्रिप्ट में। इसको ये वाला कोड हमारा सीएसएस का खत्म हो गया, अब चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। एक वेरिएबल बना लो, नाम इसका कलर कंटेनर रख देते हैं जो हमने उधर लगाया था, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन इसको यहाँ पर जो मैं लिखूंगी ना अब, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे वही कलर लिखना है जो वही क्लास लिखनी है जो हमने एचटीएमएल में यूज करी थी, कलर कंटेनर यही लगाई थी हमने। एक वेरिएबल बना लो, इसका नाम कलर बीटीएन रख देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, अब बटन को गेट कर लो, उसको क्लास लगाई थी न्यू कलर बीटीएन, सेम मैच करनी चाहिए एचटीएमएल के साथ। एक वेरिएबल बना लो कलर बीटीएन, कोई भी नाम रख दो, बाय आईडी रख देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बटन को हम आईडी के साथ गेट कर लेंगे। आईडी क्या थी इसकी, न्यू कलर बीटीएन, ये आईडी हम वहां पे बटन को लगाई हुई थी, उसको गेट कर लिया। सब कुछ हमने गेट कर लिया है, इसको ले आओ जहाँ पे। जब विंडो ऑन लोड, ऑन लोड पे हमने रिफ्रेश करना है, मतलब रिफ्रेश करने पे पूरा कलर चेंज होने चाहिए। ऑन लोड फंक्शन एक परफॉर्म होगा, जब विंडो ऑन लोड होगी रिफ्रेश होगी, एक फंक्शन परफॉर्म होगा, फंक्शन का नाम हम रख देते हैं कलर, ये कोई भी नाम रख दो, कलरदार या रेक्टेंगल कुछ ऐसे रख दो, नाम कोई भी हो सकता है। ऑल रेक ऐसे लिख देते हैं, डॉट फॉर ईच, और ये अपने आप आ गया फॉर ईच, हमने रेक्टेंगल बनानी है, ऑल रेक लिखा है, रेक्टेंगल होता है इसका मतलब, हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनानी है। यहाँ पे लिखो फॉर लूप लगेगी, एक पैरामीटर पास कर दो, इवेंट नाम का कर देते हैं, डबल ब्रैकेट आनी है, साथ में एक लिख दो फंक्शन, यहाँ पे ब्रैकेट बंद, इसके बीच आएगा कोड। एक वेरिएबल बनाओ न्यू कलर कोड, जो नए कोड आने हैं वो किधर जाएंगे, इस वेरिएबल में आ जाएंगे। कलर कोड इन हेक्स, अब ये क्या चीज है, कलर कोड इन हेक्स, हेक्सा हेक्सामल हमारे पास वैल्यू होती है, हेक्सा डेसिमल ऐसे, ठीक है। उसी में से हम कलर जनरेट करेंगे, मल्टीपल कलर्स को मिला के हम कलर बनाएंगे एक, तो वो हेक्स में हम लिखेंगे वैल्यू। न्यू कलर कोड, इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक वेरिएबल भी बना लिया हमने, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाली इधर खत्म, ई डॉट जो हमने अभी बनाया हुआ है, अब सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, पहले इसमें प्रॉब्लम है, चेक कर लेते हैं। फॉर ईच
यहाँ पे आएगा, ये सही तो है। एक बार फिर से टाइप कर लेते हैं। डॉट ऑल रेक ऑल रेक्टेंगल डॉट फॉर ईच लूप लगेगी। एक तो जी आया था अपने आप, फॉर ईच साथ में एक पैरामीटर पास करना है, ई नाम का इवेंट, मतलब यहाँ पे एक बनेगा फंक्शन। अब सही है, पहले गलती हो गई थी। एक वेरिएबल बनाओ, न्यू कलर कोड का बना लेते हैं, इज इक्वल टू कलर कोड इन हेक्स। हेक्सा में हमने कलर कोड बनाने हैं। ई डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मतलब जब भी हम छोटे छोटे बोरा रेक्टेंगल बनाएंगे ना, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, तभी हमें पता चलेगा देख के कि जे वाला कलर, जे वाला कोड ऐसा बनेगा, ठीक है, मतलब इस कोड का कलर ऐसा होगा। तो बैकग्राउंड में कलर होगा तभी हमें समझ आएगी, भी सामने से नजर आना चाहिए कलर। तो उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए कौन सा, जो हमने जे बनाया है वेरिएबल। इसमें जो भी कलर क्रिएट होगा उसको हमने इस वेरिएबल में डाल दिया। इस वेरिएबल का कलर हम यहाँ पर शो कराएंगे, वो छोटे छोटे जो रेक्टेंगल बनने हैं, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर वो हो जाएगा। अब ई डॉट इनर HTML शो करा दो, डबल कोट्स RGB रेड ग्रीन ब्लू हेक्स टू RGB, हेक्स टू RGB में कन्वर्ट कर दो किसको, न्यू कलर कोड, और इसका यहाँ पे प्लस हेक्स टू, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हेक्स टू RGB जी ऐसे ही दिखना है, इसको हम ना साथ में प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास RGB रेड ग्रीन ब्लू, ऐसे हम इनको मिला के कलर बनाएंगे, ठीक है, हेक्स में इसकी वैल्यू रहेगी, इसमें स्पेस दे दो, ये कलर बनाने का तरीका है। साथ में ये इसके साथ ना प्रिंट हो जाएगा, मतलब मेरे पास ये पता क्या चीज बनेगी, मेरे पास जो होता है ना कोड, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। मैं मान लो इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ, मैं ऐसे लिखूंगी RGB ब्रैकेट, इधर कोई वैल्यू आएगी कॉमा ब्रैकेट, ऐसे वैल्यू आएगी, ठीक है, ऐसी लुक आनी चाहिए मेरे पास, इस कोड में मुझे चाहिए, ठीक है, ऐसी लुक में चाहिए मुझे कोड। तो ये ब्रैकेट आ जाएगी साथ में, इधर इधर जो ब्रैकेट आ जाएगी साथ में RGB लिखा आएगा, तो ये आउटपुट क्या बनेगी, RGB जहाँ पे, तो बीच में ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, वैल्यू वो आएगी जो कलर हमें क्रिएट करके देगा। हाँ तो मान लो ये वाला कुछ क्रिएट हुआ कलर, तो आउटपुट ये आएगी, तो ये जस्ट जो ब्रैकेट हमने लिखी हुई है ये हमें आउटपुट में शो होनी है। ये हो गया, इसको कर दो यहाँ पे बंद, ये वाला फंक्शन यहाँ पे बंद। अब लगेगी एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर एक वेरिएबल बनाओ, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, मुझे 20 बनाने हैं एक एक बार, ठीक है, तो मैं 20 लिखूंगी, आई प्लस प्लस 20, हम एक बार रेक्टेंगल बना देंगे, कॉन्स्ट रेक मतलब रेक्टेंगल कोई वेरिएबल बना लो। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करना है एलिमेंट कोई, कौन सा करेंगे, स्पैन। मैंने बहुत बारी बताया है, हर वीडियो में बताती हूँ, जावा स्क्रिप्ट में हम HTML का कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, स्पैन टैग हमारे HTML का ही है, इसके साथ हम रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे। REC डॉट क्लास लिस्ट, कोई क्लास ऐड करनी है, डॉट ऐड, कौन सी क्लास ऐड करनी है, REC, ये वाली क्लास मैंने बनाई हुई है। अब इधर चलो, ये वाली क्लास बनाई है, तो इसी के साथ मेरे पास ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया है ना, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया कि मुझे ये वाली क्लास क्रिएट करके दो, तो ये हमें ये क्लास क्रिएट कर देगा। कलर कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, ऐसे हम कराते हैं आउटपुट शो। ये वाला जो कलर कंटेनर है हमने ऊपर लिया है, जिसमें पूरी आउटपुट आएगी, हमारा जो मेन कंटेनर था, पूरी आउटपुट मेन कंटेनर जिसमें आउटपुट आएगी, हमारा रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, इसके अंदर
अब चलिए, जहाँ पे सिर्फ अभी रेक्टेंगल बना है, वर्किंग नहीं आई, इसको करते हैं एक वेरिएबल बनाओ, ऑल रेक्ट, वो जो हमने ऊपर बनाया था ना, अब उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल डॉट REC। अब ऑल क्यों लगाया है, क्योंकि मेरे पास एक रेक्टेंगल नहीं है, पता नहीं कितने ज्यादा इतने इधर बनते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे रेक्टेंगल हमने गेट करके ऑल रेक के अंदर डाल दिए, तो ऑल रेक हमने इधर ऑलरेडी डिफाइन करा था, ये रहा। अब यहाँ पे इसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग ऑल रेक, और अभी इससे कुछ भी क्रिएट नहीं होगा, कुछ भी शो नहीं होगा, ये जस्ट ये इंस्पेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं कंसोल में, आप इसकी आउटपुट आ जाएगी। एक फंक्शन बना लेते हैं, इधर हमने फंक्शन बनाया था, उसको उठाओ, ये वाला, ये कोई बना बनाया कोड नहीं है, इसको जस्ट हमने कोई भी नाम दिया था, अब इसकी वर्किंग आएगी, इसको रखो यहाँ पे, एक फंक्शन जो हमने बनाया था उसकी वर्किंग आएगी। जहाँ पे लिखो एक वेरिएबल, कोई भी कैर नाम का बना लिया, जहाँ पे लिखो ABCDEF 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनको मिला के हमारा कोई ना कोई कलर बन जाएगा, कोड मतलब चाहिए हमें, इसके साथ वो उठा लेगा कोड, वेरिएबल कोड लेंथ, लेंथ भी फाइंड करनी है 6। अब यहाँ पे 6 का मतलब क्या है, इसको फिलहाल स्किप करते हैं, मैं बाद में बताऊंगी जब आउटपुट आएगी। यहाँ पे लिखो कलर कोड ब्लैंक, तो जो भी कलर बनेगा कलर कोड में आ जाएगा, ठीक है, इधर मेरे पास आउटपुट आ जाएगी, जो कोड बनेगा इसको फिलहाल ब्लैंक छोड़ो। अब यहाँ पे चलो एक फॉर लूप लगाओ, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, कहाँ तक चलेगा, जो कोड लेंथ हमने फाइंड किया है, कोड लेंथ 6 तक चलेगा जी, साथ में जब ये 6 हो जाएगा कंप्लीट, आई प्लस प्लस भी करना है साथ में, इंक्रीमेंट होता रहे। वेरिएबल बना लो, कोई कलर नाम का बना लेते हैं, रैंडमली चाहिए हमें तो रैंडम वाला कोड लगाओ, ये मैंने बहुत बार बताया है रैंडम कैसे पिक करते हैं, मैथ डॉट रैंडम, किसको पिक करना है, मल्टीप्लाई कैर डॉट लेंथ, ये जो कैर में वैल्यू लिखी है इन्हीं में से कोई कोड ये पिक कर लेगा रैंडमली, साथ में उसकी लेंथ फाइंड करेगा कि कितने कितनी लेंथ का मैंने जो कोड क्रिएट कर दिया है। अब कलर कोड एक वेरिएबल प्लस इज इक्वल टू, ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है कलर कोड जी वाला, इसके अंदर आउटपुट आनी चाहिए, इज इक्वल टू कैर डॉट सब स्ट्रिंग। अब ये भी जरूरी है, सब स्ट्रिंग में क्या आएगा, कलर कॉमा कलर प्लस 1। सब स्ट्रिंग क्यों लगाया हमने, जहां पे जब आउटपुट आएगी कलर में क्या है हमारे पास, जो रैंडमली वो यहाँ पे पिक करेगा, ठीक है, उसको सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना जरूरी है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, मान लो हमारे पास जैसे कोड होते ही हैं हेक्सा में, इधर मान लो RGB, ये वाला कोड बना, ये वाला, तो ये वाला कलर आ गया, इसने जहां से कोई वैल्यू पिक कर ली, साथ में इधर से कोई रैंडमली वैल्यू पिक कर लेगा प्लस 1, उसको प्लस 1 कर देगा, अपनी तरफ से कोई ना कोई ये कलर बना देगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है कलर बनाने का, साथ में रिटर्न कर दे, हैश भी आना चाहिए साथ में, तो हैश के साथ ही कोड लिखते हैं, हैश प्लस कलर कोड, हैश प्लस कलर कोड, दो तरह के हमारे पास कलर बनते हैं, जहां पे देखो ये जो हमने लगाया हुआ है किधर गया, कोई लगाया, ये देखो एक ये तरीका होता है कलर लगाने का, हैश के साथ साथ में कलर कोड आ जाएगा, इधर आ जाएगा हैश,
एक ये हो गया। अभी हम करेंगे यहाँ पे, इधर आ जाओ, जो हमने बटन लगाया हुआ है, अब क्लिक वाले पे, बटन पे क्लिक करेंगे तब ये फंक्शन परफॉर्म होगा। हमने जहाँ पे उधर लिखा था btn by id ऑन क्लिक, जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा, चेक कर लेते हैं, आईडी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बटन किधर है, क्या नाम रखा अभी, कलर btn id, नहीं इधर लगाया था, ये वाली कॉपी करनी है, इसको उठा के कॉपी पेस्ट इधर कर लो ताकि मैच करे बिल्कुल। जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा, एक फंक्शन परफॉर्म होगा, फंक्शन का नाम क्या है, कलर द रेप, ये हमने ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है, कलर द रेप का मतलब रेक्टेंगल। अब मैं दिखा देती हूँ कहाँ डिफाइन करा था हमने, ये रहा एक फंक्शन, ठीक है, इसकी अब हम वर्किंग करेंगे, क्या परफॉर्म होगा इसके बीच, ऑल रेक वाला डॉट फॉर ईच, एक पैरामीटर पास करो ई नाम का, फंक्शन बनाओ एक, ऑल रेक में हमने वैल्यूज ऐड करी थी ऊपर, ऑल रेक इसमें सारे के सारे रेक्टेंगल चले जाएंगे, ठीक है, हमने कोड पूरा रेक्टेंगल के बीच ही शो करना है, तो इसके ऊपर हमने शो करना है कोड रेक्टेंगल के बीच, एक वेरिएबल बनाओ, न्यू कलर कोड इज इक्वल टू कलर कोड इन हेक्स, जो हमने फंक्शन लिखा था क्रिएट किया था, बस उसकी वर्किंग यहाँ पे आ जाएगी, ये वाला फंक्शन ये वाला था, इसमें जो भी पूरा कोड है वो परफॉर्म हो जाएगा जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कोई ना कोई कोड बन के यहाँ पे जेनरेट हो गया। यहाँ पे अब लिखो ई डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू न्यू कलर कोड, इसको कॉपी कर लो पेस्ट, जो भी न्यू कलर कोड में इसमें जो भी कोड क्रिएट होके आएगा उसका हम जो भी होगा हमारा रेक्टेंगल उसका बैकग्राउंड कलर वही बना देंगे। ई डॉट इनर एच टी एम एल आउटपुट भी शो करनी है, कैसे आएगी, आर जी बी ऐसे, साथ में इसको प्लस कर दो, सेम वही वाला जो हमने ऊपर बनाया था ना, हेक्स टू आर जी बी न्यू कलर कोड आउटपुट ऐसी आएगी, प्लस जहां पे ब्रैकेट, तो जी इस रूप में हमारी आउटपुट आएगी। पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, इधर हमारा बटन पता नहीं किधर चला गया, अभी हमारा कोड खत्म नहीं हुआ, अब चलो यहाँ पे पहले इसको इंस्पेक्ट करते हैं, बटन तो गायब नहीं होना चाहिए, वो इसके पीछे आ गया है, पहले आउटपुट देख लेते हैं, इधर एरर कोड एल ई कोड लेंथ आना था 18, इधर लगाया हुआ है, हमारे पास तो इधर फाइंड कर लेते हैं इसको, कॉपी इधर तो सही है, कोड लेंथ लिखा हुआ है पेस्ट 6, अच्छा यहाँ पे कोड लेंथ आएगा LEN, वो एरर चलेगी, अब जो बोल रहे हैं हैक्स टू आर जी बी इज नॉट डिफाइंड, अभी हमने ये वाला लिखा हुआ है, कलर कोड हैक्स टू आर जी बी,
चलिए अब इसकी हम करेंगे वर्किंग, ये वाली। इसको तो भाई अभी हमने करना है डिफाइन। कॉन्स्ट ये वाला कॉपी करो, हैक्स टू RGB, पेस्ट हैक्स। ये हैक्स होता है, अगर आपको पता हो हेक्साडेसिमल हमारे पास वैल्यू होती है। RGB, रेड ग्रीन ब्लू, इसको मिला के हमारे सारे कलर बनते हैं। तो अब देखो कलर कैसे क्रिएट करेंगे। हैक्स ये नाम, आप यहाँ पर एक पैरामीटर ही मान लो, पैरामीटर पास किया। अब इसको इसकी वैल्यू दो, हैक्स को रिप्लेस कर दो, हैक्स डॉट रिप्लेस, साथ में वैल्यू आएगी। अब देखो ये कोड बिल्कुल ध्यान से लिखना है, जैसा मैं लिखूंगी बस वैसा ही लिख दो। इसके साथ हो जाएगा क्रिएट कलर, ए से लेके एफ, इसको डिवाइड डी, ये है हमारा कलर क्रिएट करने का तरीका। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो भी कोड क्रिएट होगा इन्हीं में से उठाएगा। एक जे हो गया कॉम्बिनेशन, एक हमारा जे वाला कॉम्बिनेशन हो गया। ये तो हमारे डायरेक्ट नंबर्स होंगे, लेकिन उन नंबर को कलर में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। नंबर तो मैं कुछ भी ऐसे लिखती रहूंगी, ABC कुछ भी लिख दो, 10, 11, 12। इसको हम डिवाइड कर देंगे आई से, आई इसकी लेंथ फाइंड करेगा कि कितना बड़ा कोड बनाना है। ये कोड हमारे जो ओरिजिनल कोड होगा, मतलब 10, 11, 12 कुछ भी क्रिएट करेंगे उसको कन्वर्ट कर देगा कलर में। साथ में अब हम लिख देते हैं और कौन सा काम बाकी है। इसको RGB हमने वैल्यूज देनी है, तो एक लाइन में भी लिख दो या फिर ऐसे नेक्स्ट लाइन में लिख दो, ताकि हमारे लिए समझना ईजी रहे। ये है हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यूज। तो यहाँ पर जो एम है इसका कुछ ज्यादा काम तो है, लेकिन इसकी जगह आप कुछ और नहीं लिख सकते। अगर आप चाहते इसकी जगह ए लिख दे या बी लिख दे, नहीं इसका मतलब होता है मल्टीपल RGB रेड ग्रीन ब्लू, तो इन्हीं को मिला के हमारा पूरा कलर बनेगा। इसको मैं बाद में चेंज करके भी दिखाऊंगी। यहाँ पे लिखो हैश प्लस आर प्लस R प्लस G प्लस G प्लस B एंड प्लस B, रेड ग्रीन ब्लू। इन्हीं के कॉम्बिनेशन के साथ हमारे जितने कलर है सारे बनते हैं। बस इसी के साथ हमारा कलर हो जाएगा रेडी। डॉट सब स्ट्रिंग, अब सब स्ट्रिंग यहाँ पे बन लिखूंगी। इसका काम क्या है, मुझे कलर ऐसे चाहिए, इधर ही टाइप कर लेते हैं RGB, ऐसा कुछ कलर बनेगा, ठीक है। तो ये है सब स्ट्रिंग। तो अगर मैं यहाँ पे सब स्ट्रिंग बन लिख देती हूँ, तो जो ये कलर कुछ ऐसा बनेगा, मतलब सिर्फ दो वैल्यूज नजर आएंगी। तो मुझे पूरा कलर चाहिए, ठीक है, तीन वैल्यूज में मुझे कलर चाहिए पूरा। मतलब तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग बन लिखो, डॉट मैच। अब यहाँ पे जो कोड लिखो टू जी, तो यहाँ पे जी की जगह आप कुछ और नहीं लिख सकते। इसके साथ हमारा जो कॉम्बिनेशन है कलर्स का, उसके साथ यही मतलब कोड वर्क करेगा। जो कॉम्बिनेशन में कलर बनाएंगे सारा कोड मिलके, फिर ही परफेक्ट एक कलर बनेगा। डॉट मैप, यहाँ पे आएगा एक्स, एक फंक्शन पार्स इंट होता है x,16। पार्स इंट यूज किया जाता है जब हम ऐसी वैल्यूज लिखते हैं, इंटीजर वैल्यूज जो होती है ना नंबर्स, उसमें यूज किया जाता है। जहाँ पे ब्रैकेट दो आई है, जहाँ पे भी एक ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, अब सही है, ताकि फंक्शन ये बन जाए। अब हम CSS में चलते हैं, पहले थोड़ा सा यहाँ पे एक कोड बाकी है, क्योंकि ये हमारी जो एक बटन नजर नहीं आ रहा, कलर तो आ गए। अब देखो यहाँ पे कोड तो कलर आ गए, लेकिन कोड नहीं आया, साथ में हमारा बटन भी नहीं है। तो यहाँ पे पहले एक छोटा सा कोड ऐड करो, इधर ही कर देते हैं।
हमने इसका वो लुक बनानी है पूरी, जहां पे लिखो डॉट जो कलर कंटेनर है, डिस्प्ले कर दो इसको फ्लैक्स में, फ्लैक्स रैप रैप। अब यहाँ पे ऐसे आ गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में कर दो, बटन भी आ गया सेंटर में, जेनरेट कलर चेंज हो रहा है लेकिन कोड नहीं आ रहा, मतलब कोड हमारा यहाँ पे गेट नहीं हुआ। इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं, अनडिफाइंड आ रहा है, एरर तो कोई भी नहीं है इधर, कोई एरर नहीं है इसमें। ये देखो इतने स्पैन टैग बनाए हुए हैं, इसने खुद ही बना दिए। अभी हमें ये देखना पड़ेगा, अनडिफाइंड आ रहा है तो मेरे पास कलर यहाँ पर ये गेट नहीं कर रहा। चेक कर लेते हैं किधर प्रॉब्लम है। कलर हमने प्रिंट करना है, प्रॉब्लम सारी सिर्फ आउटपुट में है, बाकी सब कुछ वर्क कर रहा है, कोड जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, कलर जनरेट हो रहा है लेकिन कोड नहीं आ रहा। यहाँ पे चलते हैं जिधर हमने आउटपुट शो कराई हुई है, पहले इधर ही देखते हैं। यहाँ पे एरर कोई नहीं है, बस यहाँ पर हमने ना ये वाली ब्रैकेट ऐड करी हुई है, ये ब्रैकेट नहीं आनी, नहीं तो ये पूरा कोड एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, वर्क नहीं कर रहा। तो बस यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट लगाई थी कर्ली ब्रैकेट, वो हटा देना इधर लास्ट में। अब रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू, जनरेट पे क्लिक करते हैं, साथ साथ में ये वाली वैल्यू है उठा नहीं रहा, कोई वैल्यू है इसमें, एक वैल्यू नहीं उठा रहा, उसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम देखो क्या है, इधर एन ए एन कुछ आ रहा है, ठीक है, ये वाली वैल्यू इसको मिल नहीं रही, मतलब इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है। ए बी सी डी ई एफ तक आना है, एफ तक ये वैल्यू चलेगी, जहाँ पे हमने लिखा हुआ है एफ तक, ये देखो ए टू एफ, तो यहाँ पर ये ए टू एफ तक वैल्यू चलेगी, ए टू एफ एक से लेके नाइन तक, ठीक है, 1 to 9 ए टू एफ वैल्यू चलेगी। रिफ्रेश करो, अब देखो कोई भी एन ए एन मतलब होता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिल रही। अब देखो कोई भी यहाँ पर एन ए एन की वैल्यू नहीं है, सारा कोड यहाँ पे हो गया वर्क, ये देखो। तो इसको आप परमानेंटली आप एक अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना के रख लो, इसको आप यूज करते रहो कलर्स जनरेट करने के लिए, इसका कोड कॉपी करो तो यहाँ पे लगा दो सी एस एस में जाके, कोई वर्क यहाँ पे चेक कर लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं, मुझे चाहिए यहाँ पे, ये किधर आ गया, यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे लगाओ पेस्ट, बैकग्राउंड कलर ये ब्लू होना चाहिए, किसका लगाया हमने बैकग्राउंड कलर, पेस्ट, ये तो सही है, वो पहले आई थिंक रिफ्रेश नहीं हुआ, और चेक कर लेते हैं, ये वाला कर लो, इसको लगाओ, इसको मैं सेव कर देती हूँ, सेव करना पड़ेगा, अब ब्लू होना चाहिए, तो ये देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, सेम ऐसे ही कोई भी कलर चाहिए जहाँ पे उठा लो। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।